हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमिन कुल में आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन जी एन सि ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर फाइव जो कि क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है डेट है सिक्सटीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर के लिख लेंगे तो हमारा वही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो एलिमेंट क्या होता है इस वर्कशीट को पूरा देखिए और समझिए जिज्ञासा दीदी टिल नाउ वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस लाइक सस्पेंशन कोलाइड्स एंड सॉल्यूशन आर इमप्योर सब्सटेंस जो ज्ञान है वो कहता है जिज्ञासा दीदी अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे पता चल गया है कि जो सब्सटेंस है सस्पेंशन कोलाइड्स या सॉल्यूशन ये सारे इमप्योर सब्सटेंस हैं क्योंकि इमप्योर कैसे हैं क्योंकि ये किसी अब ये इमप्योर है कैसे ये क्योंकि ये किसी दो सब्सटेंस से मिल के बने हैं तो ये एक इमप्योर सब्सटेंस कहलाएगा अगर को, कोई कोई सब्सटेंस ओनली वन मैटर कंटेन करे तो वो एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है अब वो पूछता है डू प्योर सब्सटेंस रियली एग्जिस्ट क्या ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो तो सच में होते हैं इफ़ यस देन हाउ और अगर होते हैं तो कैसे तो वो कहती है ज्ञान मैनी ऑफ सब्सटेंस अराउंडैक्ट प्रजेंट इन दे प्योर फॉर्म ओनली दे आर टू टाइप्स जो सब्सेंस हमारे आस पास होते हैं वो कुछ प्योर फॉर्म में भी होते हैं दे आर टू टाइप्स वो टू टाइप्स के हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एलिमेंट्स लाइक गोल्ड सिल्वर आयरन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन कार्बन एंड कंपाउंडस लाइक ग्लूकोज वाटर एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच डॉट विच के नॉट डिड इंटू फर्दर इंटू सिंपलर फॉर्म बाई एनी केमिकल रिएक्शन जनरली दीज आर क्लासीफाइज एज मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉयस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ दिज आर वेरी यूजफुल फॉर अस एलिमेंट्स ऐसी फॉर्म है मैटर की जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से और ये थ्री टाइप्स में क्लासीफाई हैं नॉन मेटल्स मेटल्स और मेटेलाइड्स में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है एलिमेंट्स थ्री टाइप्स के होते हैं आपको पता है मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स मेटल्स आपको पता है सारी प्रॉपर्टीज आप एट क्लास में पढ़ चुके हैं मेटल सॉलिड होते हैं लश्र होते हैं शाइनी होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट को लाइट को इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं दीज़ आर डकटाइल इन नेचर ये नेचर में डक्टाइल होते हैं इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आपको पता है अगर हम गोल्ड को गोल्ड ले लें तो गोल्ड को हम चेन गोल्ड की चेन बना सकते हैं वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जांपल हो गया गोल्ड कॉपर एल्युमिनियम एल्युमिनियम की वायर सुनी होगी कॉपर की वायर देखिए आपने दीज आर मेलेबल इन नेचर और ये नेचर में मेलेबल होते हैं इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने कॉपर की आयरन की शीट्स देखी हैं गोल्ड की शीट्स देखी हैं ये सोनरस होते हैं ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर हम हीट करें इन्हें अगर हम गिरा दें तो या किसी चीज़ से टकराएं, या हम उन से क्लिक करें तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं नॉन मेटल्स का इससे हमारा उल्टा ही होता है ये लश्र नहीं होते ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं पास नहीं करते हैं दे आर नाइदर डकटाइल ना और मेलेबल ना ये डक्टाइल होते हैं ना ये अवेलेबल होते हैं कांट भी बीट इन इंटू शीट्स इन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते दे आर जनरली ब्रिटिल और ये ब्रिटिल होते हैं दे आर नॉट सोनरस ये सोनरस भी नहीं होते जनरली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसेस फॉर्म और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होते हैं जस्ट लाइक हाइड्रोजन कार्बन आयोडीन रोमिन क्लोरीन तो ये सारे इसके एग्जाम्पल जाएंगे अब मेटलॉइड्स क्या होता है आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में तो पढ़ा है मेटेइड्स क्या होता है द एलिमेंट विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दूस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दीज आर कॉल्ड मेटेइट्स अब जो एलिमेंट्स जिन्हें इंटरमीडिएट यानी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है थोड़ी सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है बीच के होते हैं मीडियम होते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं बोरोन सिलिकॉन ग्रामियम ये सारे मेटेलाइड्स के एग्जाम्पल हैं तो इसे आप डिटेल में नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे चेक किया और अब आपके कुछ चार इजी से छोटे से क्वेश्चंस हैं तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या है हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स और ये मिक्सचर से डिफरेंट कैसे हैं तो आप इसका आंसर करेंगे एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस वाइल मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर दैन टू और मोर एलिमेंट्स एलिमेंट ऐसा एक सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना होता है और जो मिक्सचर है वो दो से या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से या कंपाउंड से बना होता है विच हैव नॉट रिएक्टेड टू बॉन्ड टुगेदर और जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं एल्युमिनियम इज़ यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज़ बींग यूज है जो एल्यूमिनियम होता है वो हमारे घर में एज अ यूटेंसिल्स बर्तन बनाने खाना पकाने के लिए यूज़ होता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एल्युमिनियम की यहाँ पे तो एल्युमिनियम इज़ यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज़ फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्दर रिएक्शन एंड इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम है वो हमारे यूटेंसिल्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसकी जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है वो हमारी जो खाने की रिएक्शन से बचाती है और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर है द प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज़ बींग यूज हर गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पे एल्यूमिनियम की गुड थर्मल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक फायरस फॉर हाउस होल्ड यूजेज क्या हम कार्बन को हाउस होल्ड यूजेज के यूज़ कर सकते हैं को बताना है वाई क्यों और क्यों नहीं तो दोनों रीजन लिखना है आपको एक्सप्लेन करना है तो इसमें आप यहाँ से आंसर करेंगे नो वी कैन नॉट यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर द हाउस होल्ड यूजेस बिकॉज वी यूज वायर्स इन अवर हाउस होल्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द होल वायरिंग सिस्टम यू ऑलली नीड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक द वायर नाउ द मोस्ट ऑफ द एलेक्ट्रॉप्स ऑफ द कार्बन आर पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द इज द एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ सो वी केन नॉट यूज़ इट तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं डिफाइन मेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी क्या होती है डकटिलिटी मेलेबिलिटी होती है कि, कि किसी भी मेटल्स या मेटल को हम तीन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसे अवेलेबिलिटी कहते हैं और डक्टिलिटी होता है किसी भी मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो डक्टिलिटी होता है नॉन मेटल्स को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते तो उसकी जगह हम वो लिख सकते हैं तो अवेलेबिलिटी um, आप लिखेंगे अवेलेबल मटेरियल्स वन इन विच अ थिन शीट कैन बी इजीली फॉर्म बाय हैमरिंग और रोलिंग हम उसे हैमर करते रहें करते रहें अगर हम किसी भी मेटल को हैमर से मारते रहें तो एक बार वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा डक्टिलिटी हो जाएगा डक्टिलिटी इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज़ एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू हैम आर और थिन स्टेचू टू टू वायर विदाउट ब्रेकिंग विदाउट मतलब बिना टूटे हुए हम किसी भी मेटल को थिन हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था और आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है इजी सी छोटी सी साइंस की वर्कशीट थी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले आइकन को प्रेस कर दें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए सभी दोस्तों साथ शेयर करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गाइज